आज की कड़ी में हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं स्वाधीनता सेनानी कल्पना दत्त को, जिनका निधन 8 फरवरी 1995 को हुआ था। कल्पना दत्त सूर्यसेन के क्रांतिकारी संगठन इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की सदस्य थी। सितंबर 1931 में सूर्यसेन ने कल्पना और प्रीतिलता को चटगांव में यूरोपीय क्लब पर हमले की जिम्मेदारी सौंपी। हमले से एक सप्ताह पहले क्षेत्र का निरीक्षण करते समय कल्पना को गिरफ्तार कर लिया गया। जमानत पर रिहा होने के बाद कल्पना भूमिगत हो गई। 16 फरवरी 1933 को पुलिस ने गैराला गांव में उनके छिपने के स्थान को घेर लिया। छापेमारी के दौरान सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कल्पना बच निकलने में सफल रही। परंतु 19 मई 1933 को उन्हें पकड़ लिया गया। चटगांव मालखाने पर हमले के मुकदमे की सुनवाई में कल्पना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें 1939 में रिहा किया गया। कल्पना ने 1940 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री ली। उन्होंने बांग्ला भाषा में आत्मकथा लिखी, जिसे अंग्रेजी में चटगांव आर्मरी रेडर्स रिमिनेंसेस के नाम से अनुदित किया गया। महान स्वतंत्रता सेनानी को शत शत नमन। आज शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की जयंती है। उनका जन्म 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में हुआ था। महात्मा गांधी की अपील पर जाकिर हुसैन ने अलीगढ़ में मुस्लिम नेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना में सहायता की, जिसे बाद में दिल्ली लाया गया और जामिया मिलिया इस्लामिया नाम रखा गया। वे 1926 से 1948 तक इसके कुलपति रहे। ये संस्थान ब्रिटिश शासन से भारत को स्वाधीन कराने के संघर्ष से जुड़ा रहा। इसने महात्मा गांधी और हकीम अजमल खान के विचारों के अनुरूप मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान की। गांधी जी के निमंत्रण पर जाकिर हुसैन बुनियादी शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष भी बने। स्कूलों के लिए गांधीवादी विचारधारा पर आधारित पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए 1937 में ये समिति बनाई गई थी। स्वतंत्रता के बाद जाकिर हुसैन 1948 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए। उन्हें 1957 में बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। 1962 में विदेश के उपराष्ट्रपति और 1967 में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। राष्ट्रपति के पद पर रहने के दौरान ही 3 मई 1969 को जाकिर हुसैन का निधन हो गया। जाकिर हुसैन को भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम सबसे युवा शहीदों में से एक लक्ष्मण भीकाजी गोडबोले को याद कर रहे हैं। वे 8 फरवरी 1943 को शहीद हुए थे। भीकाजी का जन्म 1927 को महाराष्ट्र के अकोला शहर में हुआ था। स्कूल के दिनों में ही अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पर्चे बांटते समय अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर्चों में अंग्रेजों से भारत छोड़ने की मांग की गई थी। उन्हें 6 महीने के सश्रम कारावास की सजा हुई। वे पुलिस की जबरदस्त यातना नहीं सह सके और 8 फरवरी 1943 को उनका निधन हो गया। महान शहीद को हमारा नमन। अंग्रेजों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 8 फरवरी 1858 को स्वाधीनता सेनानी सोन बक्स को फांसी दी थी। सोन तत्कालीन अवध प्रांत और वर्तमान उत्तर प्रदेश के निवासी थे। 1857 की क्रांति के दौरान वे दिल्ली में सक्रिय रहे। उन्होंने अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई। सितंबर 1857 में जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा किया तो सोनबख्स पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें सजाए मौत सुनाई गई और फांसी पर लटका दिया गया। धरती माँ के इस महान सपूत को हमारा नमन।